मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज समीर पॉल, आपका दोस्त, आपका यार। तो प्लान ये है कि हम लोग आज जा रहे हैं घूमने के लिए। घूमने के लिए नहीं, शॉर्ट राइड। बहुत दिन हो गए हैं यार लॉकडाउन के बाद कहीं आप गए हुए। तो यार फैमिली हम लोग को देख देख के घर पे बोर हो चुकी है, तो हमें लगा कि नहीं, एक दिन के लिए उनको हम लोग छुट्टी देते हम लोगों से, और हम लोग वो आज नहीं देख पाए। तो जस्ट किडिंग यार, बस ये कि बहुत दिन हो गए, हम लोग कुछ राइड लिए हैं, तो आज हम लोग जा रहे हैं राइड में। कहाँ जा रहे हैं ये एक सरप्राइज़ है। हम लोग जब जाएंगे वहाँ पे तभी आपको पता चलेगा। तो उस सरप्राइज़ के लिए, देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक, बिकॉज इट इज़ वर्थ। जो जहाँ पे हम जाने वाले हैं, दिस इज़ अ नाइस प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस। इतना बोलूँगा कि ये कर्नाटका और तेलंगाना के बॉर्डर में है, एंड मेरे यहाँ से जो सिकंदराबाद से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर की दूरी में है। तो काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा। हमारे साथ और तीन और राइडर्स हैं मेरे साथ, तो टोटल वी आर फोर। हालांकि मेरे हेलमेट में कैमरा रहेगा, तो कैमरे में शायद साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी ना रहे, तो आई नॉट रिकॉर्ड द वॉइस, रिकॉर्ड द साउंड, बट यू कैन सी द एंटायर रोड, एंटायर जर्नी। एंड जब जाएंगे हम लोग उस स्पॉट पे, विल रिवील द नेम, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। स्टार्टिंग आर ट्रिप, सो चलते हैं वहाँ पे एंड सी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं।
Hey friends, we have reached to Chandrampalli Dam, and this was the surprise for all of you. See the dam on the back side of my place. बहुत ही खूबसूरत जगह है, almost virgin place. कोई traffic नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, कोई ज़्यादा लोग नहीं है. You can see दूर दूर तक सिर्फ water body है. And this is the place. ये जो चंद्रपल्ली डैम है, ये मुंबई हाईवे में है, ऑन द वे टू पुणे फ्रॉम तेलंगाना. एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट सिकंदराबाद से 154 किलोमीटर की दूरी में है. ब्यूटीफुल प्लेस, एकदम शांत है. बैक साइड में पूरा फॉरेस्ट एरिया है. तो इफ़ यू वांट टू विजिट दिस फॉरेस्ट प्लेस, फॉरेस्ट एरिया, यू कैन विजिट देयर. सिंपल गांव है यहाँ पे एंड सिंपल लोग है. इनफैक्ट फॉर अ डे आउटिंग विद फैमिली, गुड थिंग, गुड प्लेस. मतलब शहर के जो सिटी लाइफ से दूर, सिटी लाइफ इतना हम लोग झेल चुके हैं कि अभी और नहीं. तो सिटी से अच्छा है ये प्लेस. सॉरी थोड़ा सा लाइट कम था, तो आई हैव इंक्रीज्ड माय ISO, तो अभी शायद ठीक से आ रहा होगा. एंड यू कैन सी, लिसन टू इट, पिन ड्रॉप साइलेंस. कोई भी शोर शराबा नहीं है, साइलेंस है. आई हैव कम विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स. विजय है, शिवा, राम और तनुज तो रहता है मेरे साथ हमेशा. मेरे जो almost all the rides he is with us, he is with me. And there Vijay is laughing at me because dekh ke hum logo ko. So enjoy. By the way, how is the place? What is the view? What's your feedback about this place? Good place. Just now came, so need some time to explore for common. Right, par dekhiye ki yahan pe ekdam shant hai. No traffic, no pollution, no sound pollution. For day outing, good place. You know, I should visit this place once at least. Pass me, yeah? And the best part is that there is no entry fee, nothing, no interference. आप आओ, घूमो, फिरो, खाओ, पियो, यहाँ पे आके spend some time with the villagers. और ये इनफैक्ट विलेज के अंदर से आप आओगे. प्रॉब्ली यू हैव सीन इन द फुटेज जो मैंने पहले ऑलरेडी डाला है यहाँ पे, कि जो रोड है इतने कोई मतलब ख़ास रोड नहीं है, कच्चे रोड ही है. चलो अभी हम लोग देखते हैं विलेज एक्सप्लोर. एंड अभी तो एंजॉय कीजिए इस वीडियो को. तो दोस्तों ऐसा कुछ हुआ था कि हम लोग जब कल गए थे चंद्रपल्ली डैम में, वहाँ पे जाने के बाद एक कुछ घटना ऐसा घटी थी कि वो वीडियो को मैंने कल एंड नहीं कर पाया था, क्योंकि ना जो मेरे कैमरा का जो बैटरी है इट वाज ड्रेन्ड आउट. वो भी क्यों हुआ था कि जब हम लोग पहुँचे थे कुकुटपल्ली में एंड जो वहाँ पर वेट कर रहे थे बाकी सब राइडर्स के लिए, जब वो लोग आए थे वी मेड ए स्मॉल इंट्रो वीडियो कि बिफोर आई वी स्टार्ट. तो एक हम लोग का एक रिचुअल होता है कि वी लाइंड अप द बाइक्स एंड देन हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, वी जस्ट अगेन ब्रश अप ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस कि कैसे हम लोग राइड करना है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो बात करते हैं ताकि एक डिसिप्लिन के साथ हम लोग राइड कर पाए. तो वो करने के बाद सब कुछ हो गया, लेकिन मैं कैमरा का जो स्विच है वो ऑफ़ करना भूल गया था. मैं कैमरा ऑफ़ नहीं किया,
और क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट मेरे कैमरा में ऐसा सेटिंग्स है कि इट टर्न्ड आउट और इट मतलब वो बंद होता है आफ्टर 15 सेकेंड, आफ्टर 30 सेकेंड, बट उस दिन मैंने वो जो सेटिंग से बंद रखा था। जो भी हुआ उसके लिए जब मतलब कैमरा ऑन ही था थ्रू आउट माई नो राइड में, जब तक ना हम लोग इसको मतलब जब तक ना हम लोग रुके थे फॉर ब्रेकफास्ट, ऑलमोस्ट आधा घंटा एक घंटा कुछ करीब हम वो कैमरा ऑन ही था एंड सब कुछ ऑन था। तो जब निकाला अल्टीमेटली बैटरी कैमरा को, इट वॉज़ हॉट, बहुत गर्म हो गया था, बैटरी ड्रेन आउट हो गया था, लाल सिग्नल आ गया था बैटरी में। तो ड्यूरिंग आर ब्रेकफास्ट के टाइम में वहाँ पे मैंने लगा दिया था इसको चार्जिंग के लिए। जो भी हो दो लेवल तक आ गया था एंड इट वाज सफिशिएंट टू डू सम शूटिंग ओवर देयर आफ्टर रीचिंग टू द डेस्टिनेशन चंदामुली डैम में। इसका जब वीडियो आप देखें, आप अपने ऑलरेडी देख चुके होंगे उसका जो फुटेज है, एक वीडियोज है, लेकिन ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं कर पाए, ज़्यादा कुछ फ़ोटोज़ भी नहीं ले पाए, तो फ़ोटो का जो एंडिंग है वो नहीं हो पाया एंड इसके लिए शायद वो वीडियो और भी इसमें हम लोग कुछ ऐड कर नहीं पाए थे। हम लोग इसके बाद और भी दो तीन जगह पे गए थे। इट वाज अ नाइस प्लेस, आई रिकमेंड एवरीवन टू गो टू दिस प्लेस, बहुत अच्छी जगह है चंद्रमपल्ली डैम। सिकंदराबाद से ऑलमोस्ट 154-160 किलोमीटर दूर डिस्टेंस में है। साथ में उस डैम के बैक साइड में और एक रूट है जहाँ से यू कैन गो टू द फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट एरिया है एंड एक एथीपोथला वाटरफॉल भी है। उस दिन का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा, नो वी मेट विद लॉट ऑफ फेलो राइडर्स एंड जहाँ भी हम जा रहे थे पीपल वेयर ग्रीटिंग अस, पीपल वेयर नो चेयरिंग अस, तो बहुत बहुत इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। बहुत सारे राइडर्स आए थे क्यों ना, वो जो स्पॉट है चंदनपोली डैम वो कर्नाटका और हैदराबाद और तेलंगाना के बॉर्डर में है, तो राइडर्स फ्रॉम तेलंगाना, राइडर्स फ्रॉम कर्नाटका ऑल वे कमिंग टू दिस प्लेस। हालांकि डैम में बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही शांत है, लेस क्राउडेड है, तो यू कैन गो एंड कैन हैव यू नो कैन चिल अबाउट देयर। बहुत ही शांत, बहुत ही सुकून भरा एक जगह था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आई रियली लाइक इट। गो टू दिस प्लेस, विजिट टू दिस प्लेस, ये एक तरह से वर्जिन प्लेस ही है, बहुत सारे लोग जाते नहीं है, गांव है, एकदम गांव है, रोड्स आर नॉट वेल कंस्ट्रक्टेड, कच्चे रोड बहुत है, बट यू एंजॉय लॉट, डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा आपका। रोड्स काफ़ी ट्रिकी हैं, जो डायरेक्शन जो आते हैं मैप में हमेशा सही नहीं आते, तो यू हैव टू आस्क द लोकल पीपल कहाँ पर ये चंदनपल्ली डैम है। तो जो लोकेशन है मैं डाल दूँगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चेक कर सकेंगे। एंड अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू आर चैनल, उसमें बहुत से कंटेंट्स मिलेंगे आपको, तरह तरह जगह, तरह तरह ट्रिप्स और जो प्लेसेस हैं यहाँ पे घूमने के लिए, तो वो आपको मिलेगा जानकारी। टाइम टू टाइम रिव्यूज़ हम देते रहते हैं एंड रोड ट्रिप्स मेनली ऑन द बाइकिंग, ब्लॉगिंग और फॉर फन इंटरेक्शन विद द फ्रेंड्स लाइक यू, तो बहुत से वीडियोज़ है, बहुत से कंटेंट्स आते रहेंगे इन फ्यूचर भी, तो बने रहे हमारे साथ टिल द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। अगर अभी तक अपना चैनल अगर अभी तक अपना अगर और आगे